सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजहाँ, आप लोग तो मुझे जानते ही है। फिलहाल तो मैं हिमाचल आया हूँ रात को 12 बजे। अभी सो के उठा हूँ, लगभग दोपहर का 2 बज गया है, 2 बजकर 20 मिनट हो चुका है। तो अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ और ये लोग खाने के लिए खाना का तैयारी कर रहा है। तो हिमाचल आ चुके हम लोग कपड़ा बेचने के लिए हफ्ते दिन के लिए। तो खाना तैयार हो चुका है, चावल और अभी चिकन, चिकन का तैयारी हो रहा है। तो मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बने रहिएगा आप लोग। तो सो गाइस दिखा रहा हूँ मैं, चिकन का तैयारी चल रहा है। ये भाई साहब चिकन के लिए, चिकन है, अभी चिकन को धोएगा, अभी धुलाई नहीं हुआ, काटा उटा हुआ है। तो अभी मिर्ची, हरी मिर्च वगैरह, प्याज वगैरह तैयार कर रहा है, मसाला बना रहा है। भाई साहब आपका नाम क्या है? सालम। सालम, जो हम लोग उधर से पटेसरी से है, और तो मैं तो बेंगडोगरा काशीवारी से हूँ। तो अभी हम लोग हिमाचल में ये सब तैयारी कर रहे हैं। ये चावल रेडी हो चुका है, तो फिलहाल अभी रेडी हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश करते करते मैं वीडियो शूट करने लग गया था, सो के उठा तो सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लूँ मैं। तो मैं फिर वीडियो में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बने रहिएगा वीडियोस में। तो सो गाइस, मेरा तो गूल फेवरेट है, तो मैं डेली गूल से ब्रश करता हूँ। जब तक गूल ना हो तो मुझे ब्रश करने में फीलिंग होता ही नहीं है, और पता तो है, जब तक गूल ना करो तब तक प्रेशर बनेगा नहीं मेरा। तो इसलिए मैं डेली गुल करता हूँ, दिन में 2 बार तो गुल हो ही जाता है, एक बार सुबह का टाइम। तो अभी तो सुबह हो ही नहीं, दोपहर का 2 बज चुका है, तो मैं गुल कर रहा हूँ फिलहाल। और हिमाचल है, यहाँ पे पानी उनी का सुविधा नहीं है, पहाड़ी इलाका है। तो आप लोग, मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा, तो फिलहाल ये छोटा मोटा ब्लॉग बना रहा हूँ ऐसे दिखाने के लिए। पूरा पहाड़ देख रहे ना, ये पीछे पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, और मेला कोई कोई दुकान लगा रहा, अभी मेला शुरू हुआ नहीं। तो मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है, बने। तो भाई तभी मैं मुँह धो रहा हूँ, तो मैं मुँह धो लिया, अब नहाने का तैयारी करूँगा। बहुत जुगाड़ से नहाने का ये ढूंढ रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहाने का सुविधा नहीं है कम से कम। अभी हमें यहाँ पे हफ्ता दिन रहना है, तो फिलहाल मैंने नहाने का बंदोबस्त किया। तो अब टॉयलेट है, यानी टॉयलेट के अंदर ही नहाना है, वहाँ पे बाल्टी उल्टी सब है। तो मैं नहाने के बाद आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। तो सो गाइस मैं नहाने के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। यहाँ पे कपड़ा खोलते ही डर लगता है, इतना ठंडी है यहाँ पे, क्या बताएं आपको। तो थोड़ा मैं मेला में आया हूँ, अब पीर बाबा का दरगाह है, तो थोड़ा पाक साफ रहना भी जरूरी है। तो मैं नहाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तरीका ठंडा, बहुत ही बहुत ठंडा खर्चा आता है कि हिमाचल पहाड़ी इलाका से है, बहुत ठंडा है। मैं फिर वीडियो में दिखा दूँगी, मैं वीडियो में बने रहिएगा, दिखा रहा हूँ पूरा वीडियो आप लोगों को। तो सो गाइस मैं आ चुका हूँ नहाने के लिए, दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे नहाया जाता है इस ठंडी ठंडी पानी में। आ वाशरूम में नहाने का, यानी यहाँ पे तो नहाने का बंदोबस्त है नहीं, तो मैं फिलहाल बाथरूम में ही नहाने का तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हफ्ता दिन नहीं नहाना है ना। तो नहाने का थोड़ा नहा लूंगा तो अच्छा रहेगा, कि हफ्ता दिन नहीं नहाऊंगा तो फिर भी चलेगा, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका, पानी का बंदोबस्त है नहीं इतना। तो दिखा रहा हूँ, ये रहा ठंडी ठंडी पानी, क्या बताए इतना ठंड हो रहा है। तो भाई अभी मैं नहाने के लिए आ गया हूँ, बहुत ही ठंडा है। तो इतना ठंड, क्या बताएं आपको। मैं नहाने के बाद वीडियो दिखा रहा हूँ, बहुत ही। तो भाई मैं गदर खुले चलो अनु, यानी नहा के आ चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा देसी भी चलाना पड़ता है अपना सुजापुरी लैंग्वेज। तो मैं नहा के आ चुका हूँ, इतना ठंड है तो क्या बताएं, बहुत ही ठंड हो रहा है।
और मैं थोड़ा धूप में आ गया, थोड़ा धूप निकला हुआ है, सूरज निकला हुआ है, बहुत ही ठंड है। तो क्या बताएं, कपड़ा वपड़ा पहनने के बाद आपको फिर वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। तो सो गाइस, मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ और थोड़ा बाल को धूप में सुखा रहा हूँ, और लंबा बाल हो चुका है ना, तो फिलहाल बहुत तकलीफ होता है सुखाने में। मेरे पास तो ड्राई मशीन वगैरह है नहीं, कहाँ मिले उले में मशीन वगैरह लेके चले। बहुत ही लंबा बाल हो चुका है मेरा, तो अभी इसको मैं सुखा रहा हूँ। देसी जुगाड़, कैमरा को इधर ला। तो फिलहाल देसी जुगाड़ तो जी बाला सुखवार दुकान सुखा देते, टाइम लगे 10 से 15 मिनट। की करूँ भैया, गरीबी हालत तो जी हुआ बटल देखो आज, और भला मेहनत करे वीडियो बन बनवा आज। नहा धो के तैयार हो चुका हो, तो मेरा सुहेल भाई है, तो अभी अपना फेस देख रहा है, लाल पीला तो नहीं हो गया धूप में, और ठंड का मौसम है और बहुत ही धूल मिट्टी है हिमाचल में। तो ये मेरा बेलाल भाई है, हम दोनों बेंगडोगरा काशीवाड़ी से ही है, मैं काशीवाड़ी से हूँ, ये बेंगडोगरा से है, हम दोनों क्लोज फ्रेंड है। और ये मेरा कैमरा मैन था, बहुत ही मेहनत किया बेचारा, थोड़ा शूट किया और दिखा रहा हूँ। खाना का तैयारी हो रहा है अभी, तो फिलहाल खाना चावल हो चुका है, हम लोग पहुँच चुके हैं। मेरा अच्छा चाहिए फिलहाल है, पता नहीं नागुम रहता है। ये अरवाज भाई है जो पटेसरी के रहने वाले हैं, तो फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ अभी को। तो मैं आ चुका हूँ फिर से, जब खाना तैयार हो रहा है हम लोगों का। तो अभी ये चिकन बना रहा है अभी फिलहाल, यानी चिकन बना है बढ़िया से, चिकन का दिखा लाग जा टेस्ट हो गए चिकन खान भैया। ये चिकन बन रहा है हम लोगों का, तो फिलहाल बढ़िया से चिकन बना है, क्योंकि मैं नहाए तैयार हो गए नू, फिर वीडियो खान दिखा पूरा, जो ना खाना उना खाओ बट मो। बहुत ही ठंडा हो रहा है, कपड़ा पहने लो आवे। और ब्लॉग घर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करे देन, देखे छोड़े ना देन, बहुत मेहनत लग जाए खाने खान वीडियो बनाते, छोटे छोटे करे कट कट करे वीडियो बना, फिर ज्वाइन करवा जाए, एडिटिंग करवा जाए, बहुत मेहनत लग जाए। मैं पूरा वीडियो दिखा चूँ अभी। तो चिकन खान बढ़िया से तैयार हो जाए। आहो, ये चिकन मसाला हो गया, ये हो गया हल्दी, ये हो गया धनिया, ये हो गया मटर। तो सो गाइस, फाइनली हमारा चिकन तैयार हो चुका है, ये रहा है चिकन बनके रेडी हो चुका है खाने के लिए। और ये अरबाज थाली वगैरह भी धो लिया, अब हम लोग खाने बैठेंगे, तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। और चिकन कितना टेस्ट बना होगा, लाल पूरा रेड कलर हो गया, पूरा चर्बी जम गया चिकन में, भाई साहब बनाया बढ़िया से, अब खा के टेस्ट बताएंगे कैसा लगा। तो दिखा रहा हूँ मैं वीडियो में, बने रहिएगा। तो गाइस खाना खा बढ़ गए, लेमन खाना रेडी हो गए, एखन को पीस मिले की करब, 10 जन लोग छी, एखन को पीस 1 किलो चिकन आनी है। तो खाना खाए तुम दिखा चुम यार फिर वीडियो खान, या सुमिन ख्वाब उठे गए, तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कैसा टेस्ट है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन का बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है, क्या कहता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट
क्या बताएं, लाजवाब खाना है माशाल्लाह, क्या खूब खाना है। तो खाना खाने के बाद आपको वीडियोज दिखा रहा हूँ मैं, और वीडियोज में बने रहिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, कि बहुत मेहनत करके एक एक वीडियो शूट लिया मैंने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।